हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, जीके जीएसकी स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस से पूरी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आप लोग 18 से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे लाइव आ जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए, और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर सकते हैं। ₹160 में आपको मिल जाएगा पूरा मटेरियल, सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एंड 10 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे लेना है इस PDF को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। चलिए वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर कर दो फटाफट। चलिए पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा पहले हुआ, कौन सा फिर उसके बाद हुआ, ऐसे आपको जो है व्यवस्थित करना है। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। देखिए फिर चंपारण की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद आंदोलन जो है हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। खेड़ा आंदोलन आपका हुआ था, ये हुआ था, ये भी मतलब 1918 में ही हुआ था, बट ये मार्च में हुआ था और ये आपका फरवरी में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होगा 1920 में। तो ये आपका बिल्कुल सही है, व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला का आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सभी से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न का जवाब देंगे, प्राचीन भारत में संगम क्या था? संगम क्या था बताएं सब लोग, प्राचीन भारत में संगम क्या था? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे, प्राचीन भारत में संगम क्या था? फटाफट आंसर करें भाई, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में संगम देखिए तमिल कवियों का संघ या मंडल था। ठीक है ना, तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा का ये जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, साबरमती आश्रम का जो है वास्तविक नाम था क्या? साबरमती आश्रम का जो है वास्तविक नाम क्या था? ये गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था क्या था बताएं सब लोग, सत्याग्रह आश्रम था। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी, अलगाववादी या चरमपंथी या राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष? फटाफट आंसर करें भाई, तो ये एक देखिए राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है ना, चौथा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है बताएं? 3 पत्रिकाएं इनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है, एक पत्रिका कौन सी नहीं है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूक नाइक बहुत पूछी जाती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। बहिष्कृत भारत ये भी है, इक्वलिटी जनता ये भी है, बहिष्कृत समाज आपका जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की पत्रिका नहीं है। बाकी तीनों पत्रिका को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को जो है भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? प्रश्न क्या है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ये देखिए तिथि देख सकते हैं, फिर आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। छठवा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, तो वो तिथि कौन सी है? वो तिथि है 30 जून 1948। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य जो है प्रारंभ किया था वो कौन था बताएं? वह सुल्तान कौन था? शेवेन का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करें भाई। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य जो है प्रारंभ किए थे वो कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने या अशोक ने या फाहान ने?
फटाफट आंसर करें भाई, 8वां का जवाब देने के प्रयास करेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली क्लासेस लाता रहूँ। और अभी तक 3 क्लासेस होती है, अब आपकी जो है डेली 4 क्लास होगी, ठीक है। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, नोट कर लेना, कनिष्क ने किया था, ठीक है। चलिए, भारत में राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, बताएं सब लोग भाई, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, 9 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं भाई, 9 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं कहाँ, बताएं सब लोग, दोनों को या राज्य के अंदर दोनों, एक एक को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं किसको, केंद्र सरकार को, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है, 5वें, 9वें, 42वें या 44वें, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दें। सभी को भाई गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया, तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ के रूप में या एक परिसंघ के रूप में या राज्यों का एक समूह के रूप में या एक संघ के रूप में, चलिए बताइए, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है किस रूप में, तो ये जो है घोषित करता है एक राज्यों के एक समूह के रूप में, ठीक है, राज्यों का एक समूह के रूप में, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद या इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है, 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब, 1971 में, 1972 में, 1967 में या 1968 में, बताएं सब लोग, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, जब भी अब डेली क्लास होती है ना, आप सभी को बताया, तो जितनी भी अब क्लास हो हर एक क्लास को देखना है, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, फटाफट आंसर करें भाई, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब, तो ये प्रस्तुत किया गया था 1968 में, ठीक है ना, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक कर दो और सभी लोग आंसर जरूर किया करें। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है क्या, शक्तियों का विभाजन, अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध या न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, बताइए शून्यकाल जो है कब शुरू होता है भारत की संसद में, पार्लियामेंट में, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब, दोपहर 12 बजे, ठीक है। चलिए, अनुवंशिकी में निम्न में से कौन सा जो है प्रभावी है, अनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है, बताएं सब लोग, अनुवंशिकी में निम्न में से कौन सा प्रभावी है, आरएच फैक्टर आपका प्रभावी है, ठीक है। चलिए, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग यानी कि खंड पाए जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपेगा। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं, तो टोटल 5 खंड पाए जाते हैं, ठीक है, 3 खंड जो है दाएं फेफड़े में, 2 खंड बाएं फेफड़े में, ठीक है ना, ध्यान रखना, टोटल 5 खंड होते हैं, 3 खंड दाएं फेफड़े में, 2 खंड बाएं फेफड़े में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वह कौन सा पक्षी है, और वह पक्षी कौन सा है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वह पक्षी कौन सा है, तो वह पक्षी है तोता, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का,
कि निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, तो वो है आपका एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, बताएं सब लोग, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के कारण, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, फीताकृमि के कारण। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाइन फ्लू होता है किसके कारण? विषाणु के कारण होता है, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है, फटाफट आंसर करेंगे, प्रोटीन का मुख्य तत्व है कौन सा? बहुत सही, बताइए सब लोग, प्रोटीन का मुख्य तत्व है, तो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है डियर वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है ना, बहुत अच्छे। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है, बताइए सब लोग भाई, रेत, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी का बुरादा, तो किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो यह बुझाया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे चलें भाई, वीडियो को लाइक कर दो। फल पकाने वाला हार्मोन है कौन सा, फल पकाने वाला का हार्मोन कौन सा है बताएं, फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? फटाफट आंसर करें भाई, कई बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अंतिम तक जुड़े रहें, हमारे चैनल से आपको जो है निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो फल पकाने का जो हार्मोन है वो है आपका एथिलीन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही आपका सही हो जाएगा, एथिलीन, ठीक है। सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है, बताइए सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है क्या, फटाफट आंसर करें, 25 को जवाब दें, सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है तेल होता है, क्या होता है? तेल होता है सूरजमुखी पौधों के बीजों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारशेक मात्रक के किसका, पारशेक जो है मात्रक के किसका, दूरी का, समय का, ऊर्जा का या तापक्रम का? पारशेक मात्रक है किसका, तो पारशेक मात्रक है दूरी का, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, फटाफट आंसर करें भाई, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, उत्तर ऐतिहासिक काल के अंदर, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, बताएं सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो बताएं उस नदी को जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है या पार करती है, दोनों सेम है, तो वो है कौन सी नदी, फटाफट आंसर करें भाई, तो वो नदी है जायरे नदी, और इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, फटाफट आंसर करें, सही क्रम क्या है भाई, थोड़ा क्वालिटी कम हो गई, आगे बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी है आगे, 29 का जवाब दें तब तक, तो वो राज्य हैं आपके, इसमें ही देख लीजिए, थोड़ा जूम करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चार राज्य हैं आपके, ठीक है, नोट कर लेना अलग से। निम्नलिखित देशों में से किसे जो है हजार जिलों का देश कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसे हजार जिलों का देश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिनलैंड को, और अभी नाटो का ये नया सदस्य बना है फिनलैंड, 31वां, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित देशों में से जो है कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, बताइए निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, फटाफट आंसर करें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आज की क्लास में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो आप लोग। चलिए बताइए सब लोग, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वो देश है आपका अर्जेंटीना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, निम्नलिखित देशों में से जो है किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है,
बताइए कौन सा देश है, बताएं उस देश का नाम जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है बांग्लादेश। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो केवल इन्हीं चार राज्यों में से बताना है, ठीक है ना, मिजोरम की थी। ठीक है, चलिए। और पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी, और नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए। भारत के निम्नलिखित तटों में से जो है किस पर औसतन औसत समुद्र तल मापा जाता है? बताइए, 34 को जवाब दीजिए, तो वो है आपका चेन्नई। ठीक है ना, समुद्र तट। निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है, फटाफट आंसर करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है गलत है इसमें? तो ये गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, चलिए। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, चलिए। इसमें बताइए राज्य निर्माण लिखे हुए हैं, तो कौन सा सम्मिलित है इसमें? तो देखिए इसमें केवल हरियाणा ही सही है। हरियाणा के राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, अब इसमें छत्तीसगढ़ इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसकी स्थापना वर्ष याद रख लीजिए 20 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित देशों में से जो है किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? बताइए, सब लोग बताइए। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित राज्यों में जो है किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जो ये जो वन वाला था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनपीपी की घोषणा कब की गई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की? सन 2000 में की गई थी। ठीक है, चलिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, बताएं सब लोग, किसने प्रतिपादित किया था? 42 का जवाब दीजिए सब लोग। जेलेंस्की ने प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था, बताएं। इन चारों राज्यों में से आपको बताना है। ठीक है ना, तो वो आपका केरल राज्य है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे जो है नगर का जो है हृदय कहा जाता है? नगर का हृदय किसे कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर करेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे भाई। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 45 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, बताएं। भारत का केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष याद रखना 1935, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए। जैव विविधता है क्या, जैव विविधता है क्या, बताएं। तो जैव विविधता संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण प्रतंत्रों का क्या है, योग है जैव विविधता। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता था? फ्रांस ने जीता था। ठीक है, निम्न राज्यों में से जो है किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया था? वो राज्य है, नोट कर लेना, सिक्किम।
ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए थे सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, और अपना स्कोर आज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।